नीट मामले में सीबीआई ने मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दो आरोपी चिंटू और मुकेश का मेडिकल टेस्ट हो रहा है और दोनों आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड सीबीआई को मिली है और इन दोनों को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी, नीट मामले में सीबीआई ने मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है और सीबीआई की जांच का दायरा आप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई की एक टीम बुधवार को झारखंड के हजारीबाग के ओसीएस स्कूल गई थी और वहां पर प्रिंसिपल डॉक्टर हक से पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर हक हजारीबाग के नीट यूजी परीक्षा के जिले समन्वयक भी थे और देखिए यहां पे नीट मामले में सीबीआई ने मनीष प्रकाश को ये गिरफ्तार कर लिया है। एक के बाद एक बड़ी कामयाबी यहां पे सीबीआई के हाथ लग रही है। देखिए कनेक्शन कितना बड़ा है, कितना बड़ा नेक्सस और किस तरीके से ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। प्रभाकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रभाकर, मनीष प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है, कितनी बड़ी कड़ी ये साबित हो सकती है? देखिए मनीष प्रकाश जो है वो व्यक्ति है जिन्होंने वो पटना में एक स्कूल जो है वो भाड़े पे लिया था जहां पर 30 से 35 स्टूडेंट्स को रख के और उसकी तैयारी करवा रहे थे। हालांकि काफी सारे लोग 17 लोग हिरासत में हैं, लेकिन आपको अगर याद हो तो ये 17 के 17 लोग जो हैं इसकी गिरफ्तारी जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिहार पुलिस ने की थी। सीबीआई की तरफ से ये पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई जब से 2 दिन से इस केस में जुटी है और इसकी तफ्तीश कर रही है तो सीबीआई ने अपनी तरफ से ये पहली गिरफ्तारी की है। इसके पहले भी जो चिंटू और उनके साथ मुकेश जो हैं जिसे सीबीआई ने रिमांड पर लिया है 7 दिन के, या फिर हजारीबाग के जो स्कूल प्रिंसिपल हैं जिनसे अभी पूछताछ हो रही है उनको अभी डिटेंशन में रखा हुआ है, ये सारे लोग जो हैं ये ईयूयू की तरफ से गिरफ्तार किए गए थे या उनका नाम आया था। मनीष प्रकाश का रोल क्या है इसमें, ये अपने दर्शकों को हम समझा दें कि अगर आपको याद हो तो कुछ स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई थी। उस स्टूडेंट्स ने बताया था पटना में जिनके पास क्वेश्चन पेपर जले हुए मिले थे और उन्होंने बताया था कि पटना के स्कूल में लगभग 35 के आसपास स्टूडेंट्स को रख के और वहां पे उन्हें आंसर शीट जो है वो रटवाया गया था, आंसर क्वेश्चन के आंसर जो है रटवाए गए थे। मनीष प्रकाश ही वो शख्स है जिसने ये सारा कोऑर्डिनेट किया था, उसने वो जगह किराए पर दिलवाया था और स्टूडेंट्स को वहां लाके वो एक जगह ऐसा उसने मुहैया कराया था जिसमें लाके स्टूडेंट जो है वो आंसर क्वेश्चन के आंसर जो है वो याद कर रहे थे। मनीष प्रकाश का नाम इसमें बहुत दिनों से आ रहा था, यू ने भी उसके साथ पूछताछ की थी, सीबीआई ने भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और अभी जो है सीबीआई के अधिकारियों ने उनकी पत्नी को फोन करके जानकारी दी कि उनकी आधिकारिक रूप से उनकी अरेस्टिंग हो गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीबीआई की तरफ से जो पूरा जो नीट मामला है, पेपर लीक मामला है, उसमें एक तरह से आप मानिए तो पहली गिरफ्तारी है ये। बाकी जो भी गिरफ्तारियां, मैं फिर रिपीट करूं, वो गिरफ्तार पहले से थे, ईओयू के द्वारा गिरफ्तार थे और उनकी कस्टडी जो है वो सीबीआई को हैंडओवर की दी गई थी, लेकिन सीबीआई ने मनीष प्रकाश को अब हिरासत में ले लिया। जी ये मनीष की गिरफ्तारी प्रभाकर कहां से हुई है और ये कितनी बड़ी सफलता सीबीआई के लिए मानी जाए? देखिए बड़ी सफलता तो है ही और मनीष जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मनीष की गिरफ्तारी पटना से हुई है, वो पटना में रहते भी थे और उन्होंने पटना के पास ही एक खेमनी चक जगह है जहां पे एक स्कूल है जो कि बंद पड़ा हुआ स्कूल था जिसमें उन्होंने उस स्कूल के मालिक से जो उसकी बिल्डिंग के मालिक थे उससे उन्होंने किराए पे एक जगह लिया था और उसके बाद 35 के आसपास स्टूडेंट्स को वहां पर रखा था जो तैयारी कर रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर के जो उनके आंसर्स मुहैया कराए गए थे उसे उन्हें रटवाया जा रहा था ताकि वो अपने एग्जाम में वो नंबर ला सके। और मनीष प्रकाश जो है इस पूरे जो घोटाला है, जो पूरा जो खेल है, उसके एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में थे। उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं थी, हालांकि उनसे ईओयू ने पूछताछ की थी। सीबीआई ने भी कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था पटना ऑफिस में, वहां उनसे पूछताछ हो रही थी और उसके बाद जो है उनकी आधिकारिक रूप से अरेस्टिंग हो गई है और सीबीआई के अधिकारियों ने उनकी पत्नी को फोन करके इन्फॉर्म किया कि उनकी अरेस्टिंग की जा रही है। तो सीबीआई ने अपनी तरफ से यह पहली गिरफ्तारी की है। जहां तक आप हजारीबाग की बात करें, जो बगल में है, वहां भी जांच चल रही है। जो सीबीआई की टीम है वह हजारीबाग में भी है, रांची में भी है और हजारीबाग में बाकी जितने भी जगह हैं, चाहे वो स्कूल की आप बात करें बैंक की बात करें और आप कुरियर सर्विस की बात करें, तो उन सारे जगहों पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एहसानुल हक हैं,
उनको कल से अपने पास सीबीआई ने रखा हुआ है। साथ में कुरियर कंपनी के जो दो मैनेजर हैं, ब्लू डार्ट कंपनी के जो मैनेजर हैं, जिनके ऊपर ये आरोप आ रहा है कि उन्होंने लापरवाही बरती या हो सकता है उनकी संलिप्तता हो, उन्हें भी सीबीआई ने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन ये वो तीनों लोग जो हैं वो गिरफ्तार नहीं है, टेक्निकली उन्हें डिटेंशन में रखा हुआ है, उन्हें पूछताछ के लिए रखा हुआ है, कल शाम से उन्हें अपने पास सीबीआई ने रखा हुआ है। लेकिन मनीष प्रकाश जो है उन्हें भी सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी का घोषणा सीबीआई ने घोषणा कर दी है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो हजारीबाग में जो लोग हैं उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और आज ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि नीट के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरीके से लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ यहां पे खिलवाड़ किया गया है, ऐसे में देखना होगा कि इन आरोपियों के खिलाफ क्या सख्त कदम यहां पे उठाया जाएगा।